हमें स्टेटमेंट्स यूक्लिट्स ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग गिवन है तो हम अकॉर्डिंग टू यूक्ट्स ज्योमेट्री रूल्स यूक्लिड ज्योमेट्री के जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम देखेंगे चारों ऑप्शंस को हम उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग जज करेंगे कि ट्रू है या फॉल्स है सो ऑप्शन ए हम देखते हैं ये ऑप्शन है एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट लेट से कोई पॉइंट हमें गिवन है इसी प्लेन में पेपर के प्लेन में पॉइंट गिवन है ए उसके थ्रू कितने लाइंस पास कर सकते हैं सो so, एक लाइन हम पास करवा सकते हैं इस तरह से दूसरी इस तरह से कोई भी तीसरी हम लाइन पास करवा सकते हैं चौथी लाइन पास करवा सकते हैं पाँचवीं लाइन पास करवा सकते हैं एनी नंबर ऑफ लाइन्स हम गिवन पॉइंट ए से पास करवा सकते हैं क्योंकि इनफाइनाइट डायरेक्शन्स पॉसिबल है सो बिकॉज इनफाइनाइट जो डायरेक्शंस हमें पॉसिबल है इनफाइनाइट डायरेक्शन पॉसिबल तो इसका मतलब है इनफाइनाइट ही हमारे पास पॉसिबल है पॉसिबल लाइन्स जितनी डायरेक्शंस हैं उतनी लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं और गिवन पॉइंट ए से निकलने वाली जो पॉइंट है उसका वो पॉइंट से हम कितनी भी डायरेक्शंस में लाइन ड्रॉ कर सकते हैं तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा हमारा आंसर सो क्वेश्चन में भी हमें गिवन है इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रा की जा सकती हैं सो ऑप्शन ए जो है वो ट्रू है ये तो ट्रू हो गया बी ऑप्शन आप देखते हैं बी ऑप्शन है अ यूनिक लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स दो पॉइंट्स अगर हमें गिवन है लेट से ए इसी प्लेन में दो पॉइंट्स ए है दो पॉइंट्स हैं एंड बी लेट से तो उनसे पास होने वाली एक हम यूनिक लाइन ड्रा कर सकते हैं तो कर सकते हैं हम क्योंकि ए और बी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं सो तो ये स्ट्रेट लाइन जो है स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन सेगमेंट स्ट्रेट लाइन हम ड्रा कर सकते हैं ए बी कैन बी ड्रॉन यूक्लिड ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग हम ड्रा कर सकते हैं दो गिवन पॉइंट से एक यूनिक लाइन सो ये यूनिक होगी एक ही होगी ये लाइन सेगमेंट ए और बी को ज्वाइन करने वाली एक ही लाइन सेगमेंट होगी दूसरी कोई लाइन सेगमेंट हम नहीं बना सकते हैं जो ए और बी को ज्वाइन करेगी मतलब स्ट्रेट लाइन हमें ड्रा करनी है स्ट्रेट लाइन तो एक ही होगी जो ए एंड बी को ज्वाइन करती हो सो बी बी ट्रू हो गया है अब सी देखते हैं बी ट्रू होने पर हम सी का सी की तरफ बढ़ रहे हैं सी है रे ए बी रे ए बी इक्वल टू रे बी ए ये हमें स्टेटमेंट गिवन है रे ए बी क्या है रे जो है ए बी का मतलब है ए जो है वो फिक्स्ड एंड है ए, ए फिक्स्ड एंड है और दूसरा जो बी हमें गिवन है वो इनफाइनाइट एक्सटेंशन में है एक्सटेन इंडेफिनेटली जो एक्सटेंड कर रहा है वो एंड बी है रे बी ए का क्या मतलब है बी का बी जो है वो फिक्स्ड एंड है रे में एक फिक्स्ड एंड होता है एक इंडेफिनेटली एक्सटेंशन में होता है सो so, बी जो है वो फिक्स्ड एंड है और ए इंडेफिनेट एक्सटेंशन में है ये बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ पर फिक्स्ड एंड ए है यहाँ फिक्स्ड एंड बी है यहाँ इंडेफिनेट एक्सटेंशन में बी है यहाँ इंडेफिनेट एक्सटेंशन में ए है तो ये बराबर नहीं है इस वजह से हमारा सी ऑप्शन ट्रू नहीं है सो ये हो जाएगा फॉल्स यहां पर इक्वल साइन अगर हमारे पास जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है वो करेक्ट नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी ऑप्शन भी हम देख लेते हैं डी है रे हैज़ वन एंड पॉइंट रे जो है हमारे पास रे अगर हम ए बी देखें सो ए बी अगर कोई रे है रे ए बी का एक एंड फिक्स्ड होगा और एक इनडेफिनेट एक्सटेंशन में होगा सो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है रे, रे point, तो, point, एक होता है, तो ये ट्रू होगा फोर्थ हमारा ट्रू है ए बी एंड डी ट्रू है ऑप्शन सी सो सी इज द करेक्ट आंसर थैंक यू क्लास सिक्स ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जेई मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर